Hello everyone, let's start with question number 1, which says a ray of light traveling in air enters obliquely in water. Does the light ray bend towards or away from the normal? So, सबसे पहले एक representation देखते हैं, diagram representation देखते हैं. So, उन्होंने बोला है कि obliquely एक light incident हो रही है on water. अब हमें क्या देखना है कि ये light जो है वो बेंड करेगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी. तो बाहर आप देखो कि कौन सा मीडियम है, इट इज एयर. नीचे कौन सा मीडियम है, इट इज वाटर. सो यहाँ पे चेंज हो रहा है एयर टू वाटर. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट. और बेंडिंग कहाँ हो रही है, इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज माई नॉर्मल लाइन, जो बीच में से डॉटेड लाइन है, दिस इज द नॉर्मल. और किसकी तरफ बेंड कर जाएगी वो, टूवर्ड्स नॉर्मल. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. एंड होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जो हमारा वॉटर होता है इट इज क्वाइट डेंसर एज कम्पेयर टू एयर. एयर कैसा मीडियम है, इट इज अ रेयरर मीडियम एंड द बॉटम वन इज डेंसर मीडियम. तो जब भी रेयरर टू डेंसर जाती है हमारी ray of light, it bends towards the normal. So this is the answer for question number 1.